सिवान में अपराधी बेलगाम, एक स्वर्ण व्यवसायी को लूट के दरमियान मारी गोली, अस्पताल आने के क्रम में मौत, मची अफरा तफरी, ग्रामीणों किया सड़क जाम। मामला आंदा थाना क्षेत्र का, पुलिस कर रही मामले की जांच। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने सवर्ण व्यवसायी से लूट के दरमियान गोली मारकर मौत में घाट उतार दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आंदा थाना मितवार गांव निवासी लाल बाबू सोनी, जिनकी आंदा थाना क्षेत्र में गाय घाट में ही सोने चांदी की दुकान है और वो घूम घूम कर सोना चांदी ऑर्डर लेकर बेचने का काम करते थे। शाम में दुकान बंद कर गाय घाट से आंदा के मितवार गांव के पास पहुंचे ही थे, तभी 3 की संख्या में अपराधियों ने ओवरटेक झड़ी के पास रोक दिया और सोना चांदी एवं बाइक लूटने लगे, जिसका विरोध मृतक लालबाबू सोनी ने किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद सामान एवं बाइक लूटकर अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। आनन फानन में आसपास के लोगों ने उसे सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने किया सड़क जाम कि मुआवजे की मांग। आपको बता दें कि गोलीबारी में मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सदर अस्पताल के मुख्य गेट पर शव को रखकर जैम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बिहार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि हमारे बगल में उत्तर प्रदेश है, वहां जाकर बिहार पुलिस को सीखना चाहिए। एक मोड़ पर अपराधी घटना को अंजाम देते हैं तो दूसरे मोड़ पर पकड़ा जाता है। पुलिस इस हत्याकांड के अपराधी को पकड़े। नए DGP आए हैं, परिजन उनसे भी मिलेंगे। उनकी सच्चाई है, मोटरसाइकिल में थोड़ा रखे थे चांदी सोना, नया मोटरसाइकिल था, उसी के इति में चिंताई में तो किया है। मोटरसाइकिल भी लेकर चला गया, मोटरसाइकिल लेकर चला गया, दूसरा मोटरसाइकिल अपना छोड़ दिया। मोटरसाइकिल पुलिस बरामद किया है, बरामद की है, पुलिस बरामद की है। लगभग कितने का सामान वन लगा? देहात में भी लेकर सुबह में घूमते थे, उसके बाद आकर दुकान पर। कैसे घटी पूरी घटना? क्या दुश्मनी? जैसे 5 बजे शाम को दुकान बंद करके निकले हो, 5 में वहाँ पर गाय घाट से अंदर की दूरी 3 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर तय किए, मितवार ग्राम पड़ता है, पूरा घना बस्ती है, और वहीं पर झाड़ी में छिपा था, हाथ मार कर रुकवाया, मोटरसाइकिल आगे लगा कर, उसके बाद कहा कि मोटरसाइकिल छोड़ देगी, बोले कि नहीं छोड़ेंगे, इतने में निकाल कर गोली मारा। कितने गोली लगी है उनको? गोली आपकी कितने गोली लगी है? और पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। आवाज तो सुने, क्या नाम है उनका? लाल बाबू सोनी। उनके पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय सामदेव प्रसाद सोनी। और कुछ किसी काम करते हैं? यहीं सोना चांदी का दुकान पर अब घुमा कर बेचते थे जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद। आपका घर? हम बगले के, हमारे पटीदार है। आज आप लोग सड़क जाम किए हैं इस वक्त? आए थे हॉस्पिटल में लेकर, मर गए हैं, अभी हुआ है, देखते हैं। हम आए हैं यहाँ पर। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम क्या अपराधी को पकड़ना चाह रहे हैं और क्या मांग करेंगे? उत्तर प्रदेश में देखते हैं, दूसरे मोड़ पर कांड होता है, तीसरे मोड़ पर पुलिस पकड़ लेती है। माना जाए कि प्रशासन लूज है, यहाँ की प्रशासन फेल है, ये माना जाए? प्रशासन फेल नहीं होता तो गोली चलता है, देखते हैं। आप सुने हैं, दूसरे पहले मोड़ पर कांड होता है, दूसरे मोड़ पर पुलिस पकड़ लेती है, यहाँ पर कोई एक को जिंदगी भर नहीं मिलने वाला है, देखते हैं क्या हो रहा है। नहीं तो हम लोग जाएंगे वहाँ तक, DGP साहब आए हुए हैं नए, उनके पास जाएंगे हम लोग। ठीक। आज बहुत गरीब परिवार है, बहुत पुअर परिवार है, इस समय से अगर मर गए ना, सारा बच्चा भूखे मरने वाला है, कुछ नहीं है घर में। कितने बच्चे हैं सर उनके? एक दो औरत हैं, एक बच्ची है और एक गूंगा लड़का है, इनका विकलांग, टोटली विकलांग, गूंगा एकदम।